भारत में कभी 2.5 रुपए का नोट भी चलता था। इसे जानने वाले लोग शायद ही बचे हों। आज इसकी कीमत 7 लाख रुपए है। यह नोट आज से 100 साल पहले 22 जनवरी 1918 को जारी हुआ था, यानी इसके चलन की शताब्दी पूरी होने वाली है। 1 जनवरी 1926 को इस नोट का चलन बंद कर दिया गया। 2.5 रुपए का नोट 8 साल ही चला। इसे काफी दुर्लभ माना जाता है, इसलिए इसकी कीमत भी सर्वाधिक है। वर्तमान में इसकी कीमत 7 लाख रुपए के करीब है, जबकि उस समय यह $1 के बराबर था। 2.5 रुपए के नोट का साइज 12x17 सेमी था। नोट पर एक तरफ 2.08 रुपया लिखा है। गौरतलब है कि देश में पहले आना प्रचलित था। उन दिनों ब्रिटिश राज में 1 रुपए में 16 आने होते थे, इसलिए इसमें 2 रुपए के साथ 8 आना जोड़ा गया था। इस नोट को ब्रिटेन में प्रिंट किया गया था। हैंडमेड पेपर पर यह प्रिंट है। नोट पर जॉर्ज वी का चिन्ह भी होता था। इसमें उनकी अष्टकोणीय एक तस्वीर होती थी। नोट पर ब्रिटेन के तत्कालीन वित्त सचिव के दस्तखत है। सबसे ऊपर डिजाइन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, फिर नंबर। इसके साथ अंग्रेजी में यह भी लिखा होता था, मैं धारक को 2.5 रुपए देने का वचन देता हूँ। सबसे आश्चर्य की बात है, यह नोट 7 सर्कल में चलता था। तब रंगून या म्यांमार भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, इसलिए यह नोट वहाँ भी प्रचलित था। ये 7 सर्कल थे, ए कानपुर पर, बी बॉम्बे, सी कलकत्ता, के कराची, ए लाहौर, एम मद्रास, आर रंगून। तब कानपुर की स्पेलिंग के NPUR नहीं होती थी, उस समय लिखा जाता था CAAWNPORI। यह नोट ब्रिटेन के तत्कालीन वित्त सचिव MMS गबी के हस्ताक्षर से जारी हुए थे। नोट की दूसरी तरफ एक ओर ब्रिटेन का ताज और दूसरी ओर गोल घेरे में अंग्रेजी में 2x8 लिखा है। बीच में 8 भाषाओं में 2.5 रुपए। इन 8 भाषाओं में उर्दू, बांग्ला सहित गुजराती, ओडिया और दक्षिण की भाषाएं तो हैं, लेकिन हिंदी नहीं है।